हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेड गार्डन। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और कैसी गार्डनिंग चल रही है आपकी समर सीज़न में? देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगभग एक महीना पहले कोलियस की कुछ कटिंग्स लगाई थी और वो अब मैं रिपोर्ट कर रही हूँ प्लांटर में। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रो हो गई हैं ये। और इसमें देखिए रूट्स भी अच्छी आई हैं, रूट्स भी आ गई हैं इसकी। ये देखिए वरन, ये मैं प्लांटर में लगा रही हूँ। प्लांटर की मिट्टी मैंने बहुत अच्छी तैयार की है इसके लिए। और उसमें मैंने गार्डन सॉयल, सैंडी सॉयल ली है कुछ, और कुछ कंपोस्ट लिया है। सब मिक्स करके मैंने बहुत अच्छी वेल ड्रेन सॉयल तैयार की है इसके लिए, जिससे इसमें पानी रुके नहीं, क्योंकि कोलियस में पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है कोलियस, और कम भी नहीं। सूखा रहता है तो इसके पत्ते मुरझा के लटक जाते हैं बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी होने पे ये गलने का भी डर रहता है। तो इसलिए इसमें नॉर्मल तरीके से पानी देना चाहिए। ये देखिए पेंट से मैंने इसमें लगा दिया है इस तरह से, और अब ये इसमें अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि ये वैसे छोटे से इसमें लगा हुआ था, तो अब ये अलग अलग मैं लगा रही हूँ, तो इससे ये अच्छा ग्रो करेगा। मिट्टी भी काफ़ी अच्छी है, कंपोस्ट वगैरह डाली है। मैं फंगीसाइड पाउडर डाल रही हूँ इसमें, साफ का फंगीसाइड यूज़ करती हूँ मैं। मेरा ख़त्म हो गया है, मैं फिर से मंगाने वाली हूँ, मंगाऊँगी, ऑनलाइन मंगाऊँगी इसको जी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक और कटिंग है मेरी, ये दूसरे कलर की कटिंग है, ये भी मैं दूसरे पॉट में लगा रही हूँ। कोलियस की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है फ्रेंड्स। आप लोग भी अगर कोलियस की कटिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अभी भी ग्रो हो जाएगी, अभी भी सीज़न है इसका, ग्रो हो सकती है। छोटी सी पतली सी भी कटिंग लेके आप लगा देंगे, लेकिन सैंडी सॉइल में ही लगाएं, उसमें जल्दी ग्रो करती। मैंने भी बिल्कुल प्योर सैंड में ही लगाई थी, उसमें बहुत अच्छी ग्रो हो गई। ये चार पाँच लगाई थी मैंने, दो तीन ख़राब हो गई, पानी वगैरह ज़्यादा हो गया, उससे कुछ गल सी गई थी, वो ख़राब हो गई। ये दो कटिंग बहुत अच्छी चल गई है मेरी, दोनों कटिंग चल गई हैं सही। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें इतना पानी डालना है फुल करके, ताकि पानी नीचे से ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए और अंदर तक नीचे तक पहुंच जाए पानी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।